हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। देखो, आज का हमारा टॉपिक है एलिफेटिक चक्री यौगिकों या एलिसाइक्लिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक मतलब जो कैसे होते हैं बद्ध श्रृंखला वाले, ठीक है, उनका आईयूपीएसी नाम हम कैसे करेंगे ये चीज़ हम देखते हैं। एलिफेटिक चक्री यौगिक के लिए पूर्व लग्न साइक्लों का प्रयोग करते हैं। अन्य नियम एल्केन एल्केन तथा एल्काइनों के समान होते हैं। मतलब अगर ये बंद श्रृंखला होगी तो क्या लगाएंगे इसमें? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है बच्चों जो शब्द के पहले लगता है। जैसे मेथेन है तो साइक्लोमेथेन कर देंगे, पेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन कर देंगे। ठीक है, आपका जो नाम है उसके पहले अगर कोई शब्द लग जाए, ठीक है, साइक्लोचुन्नू, साइक्लोमुन्नू, साइक्लोटुन्नू, ठीक है, तो ये सब आपके क्या क्या नहीं, सॉरी अगर इसमें से किसी का कुछ ये ऐसा कुछ नाम हो तो आप बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी साइक्लिक संरचना। साइक्लिक मतलब साइकिल जैसी, एक जगह से शुरू होके फिर वहीं पे ख़त्म हो जाए, यहाँ से शुरू होके फिर कहाँ ख़त्म हो जाए, उसी जगह पे। तो जो बंद श्रृंखलाएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? साइक्लिक संरचना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भुजाएं कितनी हैं, मतलब ये जो लाइन है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या होगा? पेंटेन है। इसका मतलब यही होता है ना, देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH और यहाँ भी CH। ठीक है, तो कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन किसमें होते हैं? पेंटेन में। और पेंटेन के पहले ये चक्री संरचना है तो क्या लग जाएगा? साइक्लो। तो साइक्लो पेंटेन। अब इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? CH 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 CH। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है वो क्या कहलाएगी? ये जो बंद संरचना है इसमें 6 भुजाएं हैं तो ये किसकी होगी? हेक्सेन की, क्योंकि ये साइक्लिक संरचना, तो क्या होगी? साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सीन, अगर बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा ना कि जब डबल एल्केन एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आपका हेक्सेन है, अगर इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और यहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इसमें देखो, हाँ इसमें, तो यहाँ पे क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं, तो ये समझ लेना यहाँ पे डबल बॉन्ड तो साइक्लोहेक्सीन, और पेंटेन में अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। समझ में आ गई बात? अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये तो आपकी साइक्लिक संरचना होगी, किसकी होगी? हेक्सेन की। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा, जैसे यहाँ पे जुड़ गया CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, तो काउंटिंग तो आपको पता है कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ही करते हैं, उल्टा क्यों चले? तो CH3 CH3 किस किस जगह पर जुड़ा है? पहले और दूसरे। ठीक है, तो 1 2, कितने CH3 हैं मेथिल ग्रुप? 2, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। ठीक है, तो डाई मेथिल और साइक्लोहेक्सेन, है ना आसान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने बताया ना, डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लास्ट में, तो साइक्लो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ प्रतिस्थापी समूह क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? यहाँ पे जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, आपको बताया थे ना कि जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? इधर से। ठीक है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, तो क्या हो जाएगा? 3 एथिल साइक्लोहेक्साइन, क्योंकि हेक्साइन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। इनका जब आईयूपीएसी नाम हम करेंगे तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी जैसे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है ये चीज़ें। इसी तरह यहाँ से, जैसे यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हुआ तो 1 2 3 4
पाँच और छः, ट्रीएथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जैसे ये है, ये आपका जुड़ा हुआ है क्या, CH2H5, फिर यहाँ पे क्या है CH3CH3। अब यहाँ पे तीन प्रतिस्थापी समूह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर वही जैसे हम नॉर्मली IUPAC नाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एथिल और मेथिल है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, कहीं से कर सकते हैं, तो एक दो तीन चार पाँच और छः। अब अल्फाबेटिकली लेंगे तो आपको पता है ना, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3-ethyl-1-1, क्योंकि जो मेथिल है ना एक ही जगह पे दो बार जुड़ा हुआ है, तो हम ये बताएंगे कि मेथिल एक ही जगह पे दो कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो पहले जगह पे बैठे हैं, तो 1-1 दोनों एक जैसे हैं, ये भी मेथिल ये भी मेथिल, तो दो मेथिल हैं, तो डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी वही, तो एक दो तीन चार पाँच और छः। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल, तो 1-ethyl-3-methyl-cyclohexane। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए पेंटेन की पूरी सीरीज है ये वाली, तो यहाँ पे भी वही 1-ethyl-2-methyl-cyclopentane। इस तरह से इनका UPAC नाम आपको करना है। इसी तरह से बच्चों अगर इस तरह से कोई श्रृंखला आ जाए, ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको मैंने रेखीय संरचना सूत्र में बताया था ना कि इनको कैसे काउंट करेंगे, ये तो आपकी पूरी श्रृंखला किसकी हो गई, साइक्लोहेक्सेन हो, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, अब मेथिल जैसे एक श्रृंखला ये हो गई सीधी, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, CH3, तो यहाँ से एक निकली हुई है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे बेटा जी, CH3। ठीक है, अब देखो अगर हम बेंजीन रिंग बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगी ना, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तो इसकी काउंटिंग होगी, अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे, तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 1, 2 और 3, तो ये किसकी सीरीज हो गई, ये वाली प्रोपिल की, किस जगह पे जुड़ा हुआ है, 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मेथिल को लेंगे। ठीक है, क्योंकि पी बाद में आता है, एम पहले आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2 डाई मेथिल, फिर हम इस पे आएंगे 3 प्रोपिल, 1, 2, 3, तीन कार्बन किस में होते हैं, प्रोपेन में, तो 3 प्रोपिल, पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गई बात, किसी में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे पेंटेन में देख लेते हैं ऐसे उदाहरण, ये अब जब डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी समूह दोनों जुड़े हों दो तीन तरह के, तब क्या करेंगे, वही चीज, डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, सबसे पहले किसको हम चुनेंगे, एथिल को, किस जगह पे जुड़ा हुआ है, चौथी जगह पे, तो 4-ethyl-3-methyl-cyclo क्या हो जाएगा, पेंटीन, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से सीरीज जुड़ा हुई हो तो इसमें देखिए जब अगर इस तरह से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, इस तरह की कोई सीरीज दी हुई हो, इसमें भी बिल्कुल नहीं घबराना है, ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए इसको हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी समूह, और ये वाली सीरीज को हम पूरा लेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है ना हमें, तो ये वाली हो जाएगी 1, 2। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका ब्यूटेन जुड़ा है साइक्लोब्यूटिल, तो ये किधर से पास में पड़ेगा, तो इधर से पास में पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2-cyclo, क्योंकि दूसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, 2-cyclobutyl, और पूरी श्रृंखला किसकी है बच्चों, पेंटेन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, इसी तरह इसमें अब ये किस जगह पे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पहले जगह पे, अब इसको जब खोलेंगे बेटा जी, तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको हम यहाँ पे खोलेंगे, तो ये जैसे ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका CH2 हो गया। ठीक है, और ये जब हम CH2 होल थ्राइस, तो ये CH2 आपका कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। ठीक है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो अब इसका नाम जब हम करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, किस जगह पे जुड़ा हुआ है ये, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1-cyclobutyl, क्योंकि 4 बॉन्ड है इसमें,
ब्यूटिल पूरी श्रृंखला किसकी है? पेंटेन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर है? इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो श्रृंखला किस जगह पे जुड़ा हुआ है? एक दो, एक दो किस जगह पे? दूसरी जगह पे क्या है? प्रोपेन, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड है? एक दो और तीन, तो टू साइक्लोप्रोपिल। और ये पूरी श्रृंखला किसकी है? ब्यूटेन की। एक दो और दो कार्बन, टोटल कितने हो गए? चार। तो ये क्या हो जाएगा? टू साइक्लोप्रोपिल और ब्यूटेन। ठीक है, आई होप ये आपका एलोफेटिक या एलिसाइक्लिक यौगिकों का IUPAC नाम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।